हमारे स्टूडेंट, आज हम मीराबाई जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। ठीक है, जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है ये हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से आज देख लीजिए कि जब हम जीवन परिचय लिखते हैं तो जन्म, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष हमें और मृत्यु, यहाँ पर इनका बहुत ध्यान रखना है, पॉइंट्स को हमको लिखना ही है। वैसे जब एग्जाम में आपको जीवन परिचय लिखने आता है तो ये पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है जीवन परिचय में, आपको किस किस पॉइंट्स का वर्णन करना है, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, प्रमुख भाषा हो गई, कला पक्ष, भाव पक्ष और प्रमुख स्थान, इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब हम देख लेते हैं, हमने मीराबाई जी का जीवन परिचय लिखा हुआ है, इसे समझ लेते हैं कैसे लिखना है, ठीक है, और क्या क्या लिखना है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो मीराबाई का जन्म सन 1498 में जन्म जो हुआ वो 1498 में राजस्थान के मेढ़ता गांव में हुआ। फिर से देखेंगे हम, मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के मेढ़ता गांव में हुआ। इनका विवाह तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। फिर से देखेंगे, जो मीराबाई थी इनका विवाह किससे हुआ था, तो मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी, वह श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 1546 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, इन्होंने अधिकतर भक्ति पदों की रचना की, क्योंकि जो मीराबाई थी वो किसकी भक्त थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, तो यह इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वो सब कृष्ण जी पर ही आधारित थी। आगे देखिए, इन्होंने अधिकतर भक्ति पदों की रचना की थी। नरसिंह जी का माहिरो, गीत गोविंद टीका, सोरठ के पद आदि रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं इनकी, तो नरसिंह जी का माहिरो, गीत गोविंद टीका, सोरठ के पद आदि रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। इनकी भक्ति, अगर पूछते हैं कि मीराबाई की भक्ति कौन सी भक्ति, तो इनकी भक्ति पति भाव की तो थी, क्योंकि ये कृष्ण जी को पति मानती थी। दास भाव की भी थी, क्योंकि वो कृष्ण जी की दासी मानती थी। और इनकी भक्ति किस भाव की थी, तो इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भी थी। प्रमुख भाषा, इन्होंने किस किस भाषा में रचनाएं की है, तो ब्रज भाषा के साथ, इनकी जो मुख्य भाषा थी वो कौन सी थी, ब्रज भाषा थी, लेकिन ब्रज भाषा के साथ साथ गुजराती, अरबी, राजस्थानी, फारसी भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया है। कौन कौन सी भाषाएं, ब्रज भाषा के साथ साथ गुजराती, अरबी, राजस्थानी, फारसी भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया है। कला पक्ष, भाव पक्ष की बात करें तो मीरा के पदों में लय एवं संगीतात्मकता सहज रूप से है। देखें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मीरा के पदों में लय एवं संगीतात्मकता सहज रूप से है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। भी रचनाएं करती थी, अपनी कविताएं लिखती थी, तो उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया करती थी। प्रमुख स्थान, गीति काव्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य में मीराबाई का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। फिर से देखेंगे हम, जन्म कब हुआ इनका, 1498 में विवाह किसके साथ हुआ, भोजराज जी के साथ, किसकी भक्त थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी, वे इन्हें अपना पति मानती थी। मृत्यु कब हुई इनकी, 1546 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो नरसिंह जी का माहिरो, गीत गोविंद जी का, सोरठ के पद आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रमुख भाषा, तो ब्रज भाषा इनकी प्रमुख भाषा थी, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने गुजराती, अरबी, राजस्थानी, फारसी भाषा का प्रयोग किया। कला पक्ष, भाव पक्ष की बात करें तो मीरा के पदों में संगीतात्मकता सहज रूप से थी, और अलंकारों का इनके काव्यों में बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है इन्होंने। और इनका स्थान, अगर हम बात करें कवि या कवित्री में कि इनका स्थान कौन सा है, तो इनका स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो आपने आज पढ़ा मीराबाई जी का जीवन परिचय, कि हमें जीवन परिचय किस तरह से लिखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स में लिखना चाहिए, और मीराबाई का जीवन परिचय क्या था। ठीक है, इसे आप कॉपी में नोट करना है और याद करना है।